आसमान में उतरता है, एक चांद दिल की जमीन पर चलता है, एक चांद दिल को बेकरार करता है तो वही एक चांद बेकरार रहता है। जी हाँ, ये कार्तिक का चांद है, करवा चौथ का चांद, जिसकी उम्र भले ही चार दिन की क्यों ना हो, लेकिन ये जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा करता है। आसमान में निकलने वाले इस चांद की जड़ें दिल की गहराइयों तक फैली है और शायद इसीलिए इस चांद के निकलने का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद निकलने के बाद पूजा करके अपना व्रत पूरा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी महिला या लड़की इस दिन व्रत रखती है, उसके पति या होने वाले पति की उम्र लंबी होती है और उनका गृहस्थ जीवन हमेशा खुशियों से भरा होता है। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। आपके साथ आपके हस्बैंड भी आपके साथ पास रख रहे हैं? ये भी मुझे पता नहीं है, सरप्राइज है, हुआ ना मैम, सरप्राइज हुआ। मे भी हो सकता है रखते हो, पिछली बार से ज्यादा या कम? फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम है आपका? मेरा तो फर्स्ट है, तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट। सरप्राइज वगैरह प्लान किया होगा कुछ अलग? सरप्राइज तो मुझे मिला है, मैं थोड़ी दिन मुझे मिला है सरप्राइज। आपके हस्बैंड भी आपके साथ पास रखेंगे? नहीं रखेंगे। मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे? करेंगे, मोटिवेट तो करेंगे, लेकिन मैं ही रखूंगी। मैं उनको तो बोलूंगी नहीं, अगर मन होगा तो रख भी सकते हैं, मतलब मन होगा तो रखने देंगी। और क्या, अगर बोलेंगे तो रख लेंगे। वही परंपरा के अनुसार सास बहुओं को सरगी भेंट करती है, बहु सरगी के प्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत रखती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। वैसे तो शादी के बाद 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को करने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ महिलाएं ताउम्र इस व्रत को रखती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए से श्रेष्ठ कोई उपवास नहीं होता है। और अपने इस प्रोग्राम में हम अब बात करेंगे करवा चौथ के पूजा की विधि के बारे में। करवा चौथ के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का खास महत्व बताया गया है। सुबह सूर्योदय से पहले इसलिए उठना होता है क्योंकि देश के कई हिस्सों में सरगी की प्रथा का पालन किया जाता है। इसलिए सुबह स्नान करके महिलाएं जो सरगी मिलती हैं उसे खाती हैं और इसके बाद भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।